मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में क्या आपने कभी थर्ड आई के बारे में सुना है? क्या आपने कभी अपने तीसरे नेत्र के बारे में सुना है? इस अमेजिंग चीज का ज्ञान आपको ना हो ऐसा मैं होने ही दूंगा। इस अमेजिंग चीज का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, इसीलिए मैं आज आपके लिए एक खास वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम अपने तीसरे नेत्र को कैसे खोलते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप भी अपने तीसरे नेत्र खोलने के लिए बेकरार हैं और शायद इसलिए आपने हमारे वीडियोस को क्लिक किया है। तो अगर आप भी अपनी तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ आसान उपाय बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आज आपको जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपको बता दें कि इस क्रिया करने में कम से कम 12 मिनट का टाइम लगता है और बाकी यह आपके अभ्यास और प्रैक्टिस पर निर्भर है। सबसे पहले आप एक आइसोक्रोनिक म्यूजिक यानी मेडिटेशन म्यूजिक डाउनलोड कर लें और फिर सुबह सोकर उठने के बाद स्नान कर लें और फिर किसी एकांत जगह पर जाकर बैठें, किसी कमरे में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और कोई परेशान करने वाली आवाज़ें ना हो। अब जमीन पर कोई मुलायम आसन बिछाएं और उस पर आराम से बैठ जाएं। जैसे हम ध्यान के समय में बैठते हैं, पर ध्यान रखें कि आपके शरीर पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो, ना ही कोई परेशानी हो। अब अपने कानों में आप हेड स्प्रे लगाएं और आइसोक्रोनिक म्यूजिक को चालू कर दें। अब आप एक गहरी सांस लें और इसे छोड़ दें, मतलब इस क्रिया को आपको 3 से 4 बार करना है। और एक बात याद रखें कि इस समय आपको अपनी आंखें खोलकर ही रखनी है। अब 3 से 4 बार इस क्रिया को करने के बाद आप अपनी उंगली से अपनी नाक को बंद कर लें और धीरे धीरे अपनी आंखें भी बंद कर लें। जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं तब तक अपनी सांस को रोक कर रखें। इसके बाद अपने हाथ को वापस नीचे ले जाएं। अभी आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं वैसे ही बंद आंखों से देखें। बिल्कुल आराम से बैठे रहें और आपके कानों में जो मधुर स्वर आ रहा है उसे आराम से सुनते रहें। अब आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। आपके बंद आंखों के सामने एक सफ़ेद प्रकाश चमकने लगेगा। आप एक बात याद रखें, अगर आपको इस समय डर की फीलिंग्स आए तो आपको उस समय डरना नहीं है। और अगर आपका मन विचलित हो तो कुछ दिन तक रोजाना प्रयास करें, चमत्कार कभी भी हो सकता है। आप एक बात को याद रखें, अगर पहली बार में आपको कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप रोजाना प्रयास करते रहें, चमत्कार कभी भी हो सकता है। क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, यह हर व्यक्ति के नेचर के हिसाब से खुलता है। मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने अंदर से कितने एक्साइटेड हो इस चीज़ को खोलने के लिए। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आपके तीसरे नेत्र को खोलने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने अंदर से तैयार हो जाइए कि आपको अपने तीसरे नेत्र खोलना है तो खोलना है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो के बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कैसे रोमांचक इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।